आखिर तुम हो कौन? दोस्तों शाहरुख खान की जबान बड़ी खुलने वाली है। एडवांस बुकिंग देखकर ये अंदाजा सबको लग चुका है कि फिल्म 100 से 150 करोड़ की ऑल ओवर ओपनिंग ले सकती है, क्योंकि इसके लिए लोग रात 2 बजे से लाइन में लगकर टिकट खरीद रहे हैं, जैसे मानो SRK ने कोई काला जादू वाला वायरस लोगों को इंजेक्ट कर दिया है। जो जबान का फीवर सर चढ़कर बोल रहा है। अब इसी बीच रिलीज से एक दिन पहले अचानक फिल्म को लेकर कई तरह की खबरें चलने लगी। ये सारी खबरें जबान की स्क्रीनिंग से जुड़ी हुई है। कई सोशल मीडिया हैंडल्स और एंटरटेनमेंट पोर्टल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने फिल्म ऑलरेडी देख ली है, साथ ही वो उस आधार पर फिल्म का रिव्यू भी दे रहे हैं। इनमें से अधिकतर बुरे रिव्यूज हैं। फिर यहाँ तक कहा जा रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म जवान के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, ताकि दर्शकों की नजर में फिल्म को रिलीज से पहले ही खराब साबित कर दिया जाए। जवान 7 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। एडवांस बुकिंग के मामले में फिल्म रोज नए शिखर चढ़ रही है। खबर लिखे जाने तक पहले दिन के लिए 8 लाख से ज्यादा टिकट बुक हो चुके हैं। कई सोशल मीडिया हैंडल से जो सिनेमा संबंधी अपडेट शेयर करते हैं, उन्होंने अचानक से जवान का रिव्यू पोस्ट करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों के सेंसर बोर्ड ऑफिस में हुई जवान की स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया और वहीं पर पूरी की पूरी पिक्चर देख ली, उसी आधार पर रिव्यू दे रहे हैं। मसलन ऑलवेज बॉलीवुड नाम का एक हैंडल है, इन्होंने जवान को 4 स्टार दिए हैं। रिव्यू में लिखा, जवान क्राइम से भरी हुई आकर्षक फिल्म है जो कई पर्सपेक्टिव से बताई गई है। परफेक्ट रफ्तार और सिनेमाटोग्राफी के साथ एक्शन कॉमेडी और रोमांस से भरपूर पैकेज। शाहरुख खान, विजय सेतुपति और इटली हमें सीट से चिपकाए रखते हैं। चलिए ऑलवेज बॉलीवुड ने तो फिर भी पॉजिटिव रिव्यू दिया है। 3 और लोगों ने जवान का रिव्यू छाप दिया है। ये हैंडल्स है हरमिंदर बॉक्स ओएल, बॉलीवुड की न्यूज और न्यूज ऑफ बॉली। इन तीनों ने कमोबेश एक सा रिव्यू छापा है। इनमें से एक ने लंदन सेंसर बोर्ड ऑफिस में फिल्म देखी, एक ने मॉरिसस में और एक ने सिंगापुर सेंसर बोर्ड ऑफिस में फिल्म देखने का दावा किया। रिव्यू में ये लोग लिखते हैं कि जवान एकदम बकवास फिल्म है, 3 घंटे तक पकाती है, शाहरुख खान ने बहुत खराब एक्टिंग की है। इन तीनों लोगों ने फिल्म को 1 स्टार रेटिंग दी है। इनकी भाषा देखकर समझ आता है कि इसमें कुछ तो झोल है। आप खुद इनके ट्वीट देखकर समझिए। वहीं उमर संधू ने भी जवान को बकवास फिल्म बताया है। उन्होंने कहा कि ये 2023 की सबसे बकवास फिल्म है। हालांकि किसी फिल्म की रिलीज से पहले प्रोडक्शन कंपनियां फिल्म समीक्षकों के लिए पिक्चर की स्क्रीन रखवाती है, ताकि समय से रिव्यूज आ जाए, उसके आधार पर पब्लिक फिल्म देखने के लिए जाए। मगर यशराज फिल्म्स की तर्ज पर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने भी अपनी फिल्म की अब तक कोई स्क्रीनिंग नहीं करवाई है। ऐसी संभावना बहुत कम है कि रिलीज से पहले जवान की कोई स्क्रीनिंग हो, क्योंकि अब फिल्म के रिलीज में आधे दिन से भी कम समय बचा हुआ है। जवान 7 सितंबर को रिलीज हो रही है। फिलहाल आप हमें ये बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।